नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके अंदर ये लक्षण आने लगे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको आने वाले समय में मेंटल डिजीज़ हो सकती हैं, मानसिक बीमारियाँ हो सकती हैं, जिनमें से आपको मेनिया, डिप्रेशन, OCD, ओवेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इस तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि कौन कौन से सिम्टम्स अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो आपको उनकी केयर करनी है, आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना है, जिससे कि आपको आने वाले समय में वो सिम्टम एग्रेसिव ना हो और आप उनको अच्छे से कंट्रोल करके रखें, उन पर आप थोड़ा पैनी नज़र बना के रखें, जिससे कि आप उसको करना बंद कर दें और आपको मैनिक कंडीशन में ना जाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5-6 सिम्टम बताऊंगा, उनको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो नंबर एक है दोस्तों, इसमें अकेले में परेशानी आपकी बढ़ना। काफ़ी लोग होते हैं जिनको अकेले में बहुत डर लगता है, उनको घबराहट, बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, उनको एबनॉर्मल फियर होना शुरू हो जाता है। एबनॉर्मल फियर का मीन्स है कि उनको साइकोलॉजिकल थिंग्स बन जाती हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए रात के 8 बज रहे हैं और कोई 20 साल का लड़का है, उसके घर वाले कहीं जा रहे हैं आधे घंटे के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो अपने घर पर अकेले नहीं रह पा रहा है। उसको ये फील हो रहा है कि पता नहीं इस कमरे में कौन है, उस कमरे से कोई निकल के ना जाए, नीचे कोई बेड से ना जाए। तो इस तरह के जो फियर्स होते हैं वो आने वाले समय में वो एक मेंटल डिजीज़ क्रिएट करते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अकेले में आपको अनयूजुअल फियर लग रहा है तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपने आप को कंसंट्रेट करना है, अपने आप को समझाना है और कोशिश करना है आप अकेले रहिए, आप थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और आप अपना डर ठीक कीजिए। ठीक है, इसका ये एक सॉल्यूशन होता है। और ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर, इस तरह की जब आपका एंजाइटी फियर होता है, कई बार उल्टी भी आनी शुरू हो जाती है और कई बार नोजिएट कंडीशन होती है कि आपको लगता है कि पता नहीं क्या हुआ, पल्पिटेशन आपकी होनी शुरू हो जाती है, पसीना जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है, कान गर्म हो जाते हैं, तो अगर ये सिम्टम्स आने लगे हैं और आपके सिम्टम बहुत एग्रेसिव होने लगे हैं तो आपको साइकोलॉजिकल डिजीज़ हो रही है, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों नंबर एक सिम्टम, आपके अंदर ये है, थोड़ा बहुत है तो आप इसको ठीक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। नंबर सेकेंड की हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें बार बार किसी काम को करना, और ये मैं बहुत सारे लोगों के अंदर देख चुका हूँ। और बार बार किसी काम को करने का मीन्स ये होता है कि सपोज़ कीजिए मैं कहीं बाहर गया, अंदर आया, मैंने लॉक लगाया, लेकिन मैं फिर से देखने जाता हूँ उसको कि मैंने लॉक लगाया या फिर नहीं, क्योंकि मैं अंदर जाते जाते 5 मिनट में भूल चुका हूँ। ठीक है, सपोज़ सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर ये है कि मैं किचन में गया, मैं किचन में जाके खड़ा हुआ के पता नहीं मैं क्या करना है, ये भी एक तरह की चीज़ होती है, ये फॉरगेटफुलनेस होती है पेशेंट की कि मैं यहाँ पर क्या करने आया था। ठीक है, और होता है कि मैंने यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है और उसको मैं आधे घंटे बाद ही भूल जाता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे मैंने वो सामान रखा हुआ था। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं कि पेशेंट एक ही चीज़ को बार बार करता है, एक ही चीज़ को बार बार चेक करता है कि मैंने वहाँ पे लॉक किया या नहीं किया, मैंने उससे बात की या फिर नहीं की, मैं वहाँ पे गया कि नहीं गया, मैं मार्केट गया तो क्या सामान लेने गया। तो फॉरगेटफुलनेस के साथ साथ वो बार बार चेक करता है और उसको एक तरह का मेनिया होना शुरू हो जाता है, जैसे कि पेशेंट को खास करके देखने को मिलता है, जैसे कि कोरोना बीमारी में हुआ था, उसमें देखने को मिला कि पेशेंट बहुत ज़्यादा हाथ धोने लगे और उनकी वो हैबिट अभी तक नहीं गई है। पेशेंट आएगा, हाथ धो के आएगा, फिर तोले से पूछेगा, फिर 5 मिनट बाद उसने अगर कोई चीज़ छू ली है, कोई चीज़ टच कर ली, तो वो फिर से जाएगा, फिर से हाथ धोने जाएगा, कोई सामान थोड़ा इधर उधर छू लिया वो फिर से हाथ धोने जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं बार बार करने वाली, OCD के अंडर आ जाती हैं, ओवेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इस कंडीशन को बोला जाता है, जो कि एक मानसिक रोग होता है। इसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा साफ सफाई का रोग लग जाता है, पेशेंट बार बार चीज़ों को साफ करता रहता है, कोई चीज़ वो अगर बाहर से ला रहा है उसको साफ कर रहा है, जबकि वो अंदर पैकिंग में है पूरी, तब भी वो उसको साफ कर रहा है। पेशेंट को इतना ज़्यादा जब इन चीज़ों में लगता है, उसकी कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाती है कि वो ये तक भूल जाता है कि उसने गैस बंद की या फिर नहीं की, वो बार बार गैस देखने जाते हैं कि हमने दूध की गैस बंद की या फिर नहीं की, हमने खाने की गैस बंद की या फिर नहीं की। तो इस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं तो आपको ये करना है, आपको अपनी कंसंट्रेशन बनानी होगी, आपको अपने माइंड को बिजी नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप बिजी करेंगे आपकी ये प्रॉब्लम्स बढ़ने शुरू हो जाएंगी। अपने माइंड में आप 36 चीज़ें सोच के चल रहे हो और आप किसी काम में लगे हुए हो, बाद में आप भूल जाएंगे कि आपने क्या काम किया था। तो सारी चीज़ों को आप हटाइए, कंसंट्रेट कीजिए कि मैं ताला लगा रहा हूँ तो मुझे याद रखना है कि मैं ताला ही लगा रहा हूँ, मेरा माइंड इधर नहीं जाना चाहिए कि मुझे इसके बाद ये काम करना है, उसने मुझे क्या बोला था। ऐसी चीज़ों को आप छोड़िए, कंसंट्रेट कीजिए केवल एक काम पे जो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है।
आप कंसंट्रेट कीजिए, आपको किसी भी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप को आप ठीक कर लेंगे। नंबर थर्ड सिम्टम की यहाँ पे हम बात करते हैं, जो कि आजकल की यंग जनरेशन में काफ़ी देखने को मिलता है, जो कि मैंने कई बार नोटिस किया है, कई बार ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट का मूड कई बार ठीक होता है और विदाउट एनी रीज़न उसका मूड खराब हो जाता है। अभी वो हैप्पी है और अभी वो सैड है, दो घंटे बाद ही सैड है, रीज़न क्या है उसको पता ही नहीं है कि मेरा मूड खराब हो जाता है, अपने आप खराब हो जाता है, मेरा बोलने का मन नहीं करता है, मुझे अकेले रहने का मन करता है। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं जो आजकल की यंग जनरेशन है, कभी वो हैप्पी हैं और कभी सैड हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, एक तरह का मेंटली ये भी डिस्टर्बेंस होता है, मानसिक रोग होता है। तो इसको भी आप थोड़ा फोकस करके चलिए। इस तरह की समस्याएं कॉमनली देखने को मिलती हैं वैसे तो, जैसे कि मेनोपॉजल कंडीशन में देखने को मिलती है, जिन लोगों की जिन महिलाओं के मासिक धर्म बंद हो गए हैं, मेंसेस बंद हो गए हैं, उन लोगों को मिलता है, या फिर जिन लोगों को पीरियड्स हो रहे हैं तो वो एक नॉर्मल चीज़ें हैं कि वो इनकी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, मूड स्विंग होता है, तो इस तरह की समस्याओं में देखने को मिलती है। और ख़ास करके हम देखते हैं प्रेगनेंसी में भी ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है, तो वो कोई ऐसी बीमारी का रूप नहीं है, वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो नॉर्मली है। लेकिन एबनॉर्मली जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया वो एबनॉर्मली होना शुरू हो जाता है। नंबर फोर्थ पॉइंट की हम यहाँ पे बात करते हैं, जो कि एलोन डिज़ायर, पेशेंट को इच्छा होती है कि मैं अकेला रहना शुरू कर दूँ, ये भी एक तरह का सिम्टम होता है। पेशेंट अकेला क्यों रहना शुरू करेगा? जिससे कि वो अपनी मन की सारी चीज़ें पूरी कर सके, जिससे कि उसके ऊपर कोई अपना कंट्रोल ना रखे, जिससे कि वो अकेले में जो कुछ भी उसको गलत करना है वो कर सके, और जिससे कि उसका फ्रेंड सर्कल उससे दूर रहे, उसके फैमिली वाले उससे दूर रहें, कोई उसके ऊपर कंट्रोल ना दिखाए, कोई गुस्सा ना करे। तो हम देखते हैं जो लोग कम्युनिटी से अलग हो जाते हैं, जो समाज से अलग हो जाते हैं, जो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, अकेले रहते हैं, तो वो लोग भी मानसिक रोग के अंदर आते हैं, उनको केवल अकेले में ही अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं, आपको कोशिश करनी है। आप बाहर से इतना, आप मान लीजिए इंट्रोवर्टेड हैं, आपने मेलजोल वाले नहीं हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली में तो मेलजोल करके रखिए, ठीक है। तो इसमें अगला जो दोस्तों पॉइंट है, जो कि है काफ़ी वॉयलेंट एंगर विदाउट एनी कॉज, इसमें मीन्स ये है कि आप छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इतनी सी बात पर आप इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, जो कि चिड़चिड़ापन आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका एंगर बहुत ज़्यादा वॉयलेंटली बढ़ता है, आपकी इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई है, चिड़चिड़ापन हुआ है, इतनी सी सहन क्षमता नहीं है आपके अंदर, आपके अंदर जो क्षमता थी वो ख़त्म होती जा रही है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। 20-20 साल के लड़कों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो कुछ सोच सकें, कुछ सुन सकें, उनको कुछ थोड़ा सा बोल दिया जाता है तो वो वॉयलेंट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी उनके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके अगर आसपास इस तरह के लोग हैं आप उनको समझाइए, आपके आसपास इस तरह के बच्चे हैं आप उनको समझाइए, उनको आप प्यार से रखिए, तभी जाके मेंटल डिजीज से आप ठीक रह सकते हैं, क्योंकि इसमें रीज़न देखा जाता है। कॉजेस क्या होते हैं? जैसे कि चलिए ये तो हो गए सिम्टम्स जो कि मैंने आपको इसमें बता दिए, लेकिन कारण क्या होते हैं कि पेशेंट ऐसा क्यों हो जाता है? तो कारण में हम देखते हैं हमेशा मेंटल डिजीज क्रिएट होती है, जो हमारा अधिकतर एनवायरमेंट किस तरीके से है। एनवायरमेंट का मीन्स यहाँ पे है आपके परिवार का माहौल किस तरीके से है, वहाँ पे लोग आपस में कैसे बात करते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं, ठीक से बोलते हैं या फिर नहीं बोलते हैं, उनके अंदर जेलसी तो नहीं है। तो आपका परिवार का माहौल किस तरीके से है, सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। मेरा अपनी पर्सनल ओपिनियन यही है कि आपका माहौल किस तरीके से है। बाकी और अदर्स जो होते हैं, जैसे कि नशे की लत लगना, परिवार अगर आपका अच्छा है, फ्रेंड सर्कल आपके अच्छे हैं, तो आपको नशे की लत नहीं लगेगी, वरना आप शराब पी रहे हैं और नशे आप ड्रग्स लेने लगे हैं, तो कई तरह के मैंने देखे हैं, एक दो लड़के देखे हैं मैंने जो ये काम करते हैं, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं तो उनका परिवार भी इस तरीके से होता है, फ्रेंड सर्कल उनका इस तरीके से होता है। तो नशे की लत लगना और फ्रेंड सर्कल उनका ख़राब होना और परिवार उनका ठीक ना होना, परिवार में लड़ाई झगड़ा रहना, परिवार में गाली गलौच होना, खुलेआम बच्चों के सामने गाली देना, और इसमें आता है, और फिजिकली हम देखते हैं तो सर पे चोट लगने के बाद कई तरह की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो ये था दोस्तों मेरे हिसाब से जो कॉमनली चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी हैं, और मेंटल डिजीज़ आगे आने वाले समय में इन तरह के लोगों को हो सकती है। तो आप भी इनमें से कोई सिम्टम आपके अंदर है तो आप उसको ठीक कर लीजिए, आपको किसी ऐसे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको बार बार पैर धोने की आदत है, हाथ धोने की आदत है, रह नहीं सकते, बेचैनी होती है, तो उनको बहुत लंबा समय हो चुका है, तो वो साइकोलॉजिस्ट से आप जाके ट्रीटमेंट करवाइए, ठीक है। तो जिनके अंदर थोड़े बहुत सिम्टम हैं तो वो अपने आप कैसे ठीक कर लीजिए, कंसंट्रेट कीजिए अपने हिसाब से आप अपने आप को, और आप देखेंगे आपकी कंडीशन ठीक हो गई है।
दोस्तों वीडियो काफ़ी मेहनत से बना है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें निचोड़ लाया हूँ, तो आप कोशिश कीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।